मुझे छोड़कर क्यों चला गया है? तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया है पापा। अभी मेरी माँ पर मेरा बदलास मुझको मिल रहा है, इतनी बड़ी खुशी है मेरे सामने मगर मैं देख ही नहीं पा रही। मगर पापा तुम जिधर भी है अभी मुझे देख रहा होगा। तुमको बहुत याद करती हूँ पापा, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मेरी मोहब्बत तुम्हारा ढाल बनेगी। वैसे भी मेरा मानना है कि जब किसी को मोहब्बत मिल जाती है तो उसे किसी और की दुआ की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बस यही कहने आया था कि तुम्हारे बारे में पहले से भी ज्यादा सोचते, तुम्हें सर होता देखता हूं तो बहुत बहुत तकलीफ होती है। वो खोलो। ये क्या है? जहर नहीं है, खुशी है। किस बात का खुशी? मुंह तो खोलो। तुम्हारी और बरलास की शादी की घर में बातें चल रही हैं। क्या? हाँ, कोई रुकावट ही नहीं रही। तुमको कैसे पता चला? घर की हर दीवार पे ये खबर है, कमरे से बाहर निकलती नहीं। मुझे पूरा बात बता। ये खबर काफी नहीं है कि तुम और बरलास एक होने वाले हो? जब से तुम इधर आया ना, हमारे पास तो बैठता ही नहीं है। माँ, आपके साथ तो सारी उम्र बैठना, बल्कि आपकी गोद से उतर कर ही तो मैं जमीन पर आया हूँ। अभी तो बस मैं इधर उधर देख रहा हूँ। अभी इधर उधर देखना बंद करो। अम्मी बताओ, अपाना से मिला तुम? लेकिन वो मुझे कुछ रिजर्व सी लगी। क्यों? पता नहीं, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई और पसंद हो? Thank you.
तू समझता है जुबान, दिया तूने सहारा
तुमको कोई देखा तो नहीं इधर आते हुए? नहीं, सारा गांव सो रहा है, कौन देखेगा? अभी ऐसा बात नहीं रहा बादल खाना, गांव का हालात बहुत बदल गया। दराब का आदमी सारा दिन रात गांव में घूमता है, गांव का हर आदमी अब दराब का आदमी है। मैं इस बार ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो कर देंगे। क्या बात है चिंदौल खान, क्या हुआ है? आज हमको हमारा बाबा को बहुत याद आया। हमेशा कटाई पर हमारे साथ होता था, फसल काटता रहा और रोता रहा। अब बदला लेगा, अपने बाबा का बदला लेगा। जरूर लेगा, गिन गिन के बदला लेगा। खुद को मजबूत कर खान, दुश्मनी का बीज जो तुराब खान ने बोया है उसकी कटाई का वक्त आ गया है। अवली में खुशियां मना रहे, चिन्नार का बेटा गुलाब की बेटी से शादी कर रहा है। हम उसकी खुशियां बर्बाद करेंगे। हमने कोशिश किया है कि तुमको समझाए, मगर तुम नहीं समझे तो हम तुम्हारा खुशी में खुश हैं। दराब खान, ओए छोड़ो मेरे बाप को। लगता था तुमसे शादी बनाने की ख्वाहिश में अपने दिल में ही लेके मर जाऊंगा, लेकिन देखो हमारी मोहब्बत सच्ची है ना? मोहब्बत तो सच्ची है हमारी, मगर मैं खुश नहीं हूं।
मेरे दिल में जैसे कोई खौफ सा बैठ गया है। कैसी बातें कर रही हो? किस बात का खौफ? अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छी बातें करूं, मैं अच्छा सोचूं, लेकिन नहीं। अभी देखो ना, मैं पामीर की लाश से गुजर के तुम्हारा दुल्हन बनी। हम कैसे खुश रह सकते? खुश रहेंगे ना पाना, मैंने तौबा की है, सबसे माफी भी मांगी है। तुमसे शादी करके नई जिंदगी शुरू करूंगा। नहीं बरलास का, अभी देखो ये सारा असला, ये बंदों के, जब तक ये हमारी जिंदगी में रहेगा हम खुश नहीं रह सकेंगे। हम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी जमीन पे सिर्फ असला होता है, ये हमारा फसल है। जिसका बीज हमारे बड़ों ने बोया है। काट दो ये फसल, इसकी वजह से हमारे इतने लोग चले गए, तेरा बाबा भी चला गया। उसको तो दुश्मन ने मारा था, और तुम देखना उसका बदला मैं लूंगा। दुश्मन की लाश तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। खुदा का वादा है बरलास, ऐसी बातें मत करो। अच्छा अच्छा, तुम रो रो नहीं, मना मत कर। एक बार दुश्मन को मार दे, उसके बाद ये असलों का फसल हम लोग काट देंगे। मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के सर पर बंदूकों का साया नहीं पड़ने दूंगा। तुम वादा करो तुम ऐसा ही करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, डबल वाला वादा। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। देखो, लॉकेट है, इसमें हीरा जड़वाया मैंने। इसको छुपा के रखने की जरूरत नहीं है, इसे तुम पहन के घूमना खुल के। बहुत प्यार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो बख्तावर, इतने अरसे के बाद इस घर में एक खुशी का मौका आया। अगर तुम ऐसा करेगा तो सबका दिल खराब होएगा। अपने बड़े मुश्किल से अपने दिल को समझाया था बादशाह खान।
पर इस खुशी ने जैसे हमारा जख्म कुरच दिया। हमारे बच्चे का कातिल उसके जगह से न सजा के बैठे। चाची, चाची मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। चाची आप हमारा माँ जैसा हो, मैंने चाची देखो मैं हाथ जोड़ता है आपके आगे, चाची खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। चाची मैं तुम्हारा दुआ लेके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, मुझको माफ कर दो। चाची चाची मीर का वास्ता मुझे माफ कर दो। अमीर का समझे माफ कर दो। अब क्या फायदा बलास, अभी क्या फायदा। हमारा बच्चा तो चला गया, वो तो उधर चला गया जहां से किसी का गैर खबर नहीं आता। मनो मिट्टी के नीचे सो गया हमारा बच्चा और तुमने उसको सुलाया, तुमने बलास। कैसे कैसे माफ करें? चाची तो माफ कर देगा लेकिन अमीर का माँ कैसे माफ। चाची मैं आपका बेटे जैसा है, चाची चाची मैं पामीर जैसा बन जाएगा। पामीर जैसा कोई नहीं, कोई नहीं पामीर जैसा। चाची मैं हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर, हमको माफ कर। नहीं करो, नहीं करो, सब नहीं करो। बच्चों को सर पे हाथ रखते हो, दिल पे इतना बड़ा बोझ उठाकर कैसे जिंदगी गुजारेगा ये लोग। माफ कर दो,
क्यों दरवेश खाना, मेरा दिल धड़के जा रहा है। ओहो माँ, इनका तो काम ही धड़कन होता है। क्यों? बस इतना सा तो बात है। आ जाओ बड़ा, आ जाओ। क्यों? आ बड़ा, आ जाओ। हाँ? ये देखो कितना ज्यादा लगे। अरे वो दरख्त के नीचे हमने पहली बार तुम्हारी माँ को पोल दिया था। दरवेश खाना। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे 100K व्यूज आए क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि मैंने ब्लॉग जो इतना अच्छा बनाया। ध्यान से देखो, इसमें पीछे ऐसा फ्रेम है जिसमें से मैं गुजरी। वेरी फनी। सुन रहे थे इसकी बातें? या बस कर दे, यहाँ वर्क कर भी तुम वहीं पे हो। मैन, मैं डैड को यहाँ पे आना था वो तो समझ में आ जाती है, यही कहीं है, पर हमें क्यों लेके आए? छोड़ देते नफरत की
कहां आग बुझती है, सांस ले तो सांस दुखती है। बाबा बाबा, आपको बहुत मुबारक हो, आपने अपने भतीजे की शादी कर दी। बहुत अच्छा किया आपने, अपने खानदान को बचाया। मुझे कोई दुख नहीं, बस मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपको बहुत याद करता हूं। आप मुझसे मिलने आया करें ना।